देखो जैसे इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करें उससे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, माइनस वन और वन के बीच में देखो ये फंक्शन है, देखो ऐसा ना, माइनस वन और वन के बीच में फंक्शन क्या है, देखो टू टेन इनवर्स एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो रहेगा टू वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव है ना। देखो माइनस वन और वन के बीच में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। अब देखो जब ग्राफ बनाते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने आप ही चेक हो जाता है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने आप ही चेक होगा, ठीक। अच्छा अब देखो जैसे अगर हम बहुत एक्यूरेसी पर जाना चाहें, बहुत ज्यादा सही ग्राफ बनाना चाहें, तो हम उसका कॉनकेविटी भी देख सकते हैं। देखो अब जैसे ये डी वाई डी एक्स ऐसे करके है, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1। देखो अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन देखें तो टू कांस्टेंट माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2, और इसको फिर से करेंगे तो क्या होगा बोलो 2x। देखो ये हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। देखो ये है ना, टू कॉन्स्टेंट है, पावर माइनस वन, तो माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, और इसको फिर से किया तो क्या हो जाएगा 2x। देखो डबल डिफरेंशिएशन, देखो क्या होता है यहां पर, देखो डबल डिफरेंशिएशन करने से हमें कॉनकेविटी का आइडिया लगता है। देखो जैसे अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और x को नेगेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। मतलब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एक रफ ग्राफ बना रहे हैं। देखो यहां पर देखो ऐसे माइनस वन और प्लस वन के बीच में देखो हम लोग एक रफ ग्राफ बना रहे हैं। क्या होगा देखो, माइनस वन और प्लस वन के बीच में देखो रफ ग्राफ बना रहे हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग है, डबल डेरिवेटिव को देखो, अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे है ना तो डबल डेरिवेटिव देखो नेगेटिव होगा, है ना, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मतलब कॉनकेव डाउन होगा, ध्यान दो कॉनकेव डाउन, ठीक है। और अगर हम x को नेगेटिव लेंगे तो देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब क्या हो गया बोलो, कॉनकेव अप हो गया, ध्यान दो कॉनकेव अप, ठीक। x पॉजिटिव तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब कॉनकेव डाउन हो गया, x नेगेटिव डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब कॉनकेव अप हो गया। देखो अच्छा अगर हम जीरो पर वैल्यू देखें, x को जीरो रखें तो y बराबर जीरो होगा, x को वन रखें तो y क्या होगा, देखो साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन का मतलब क्या हो गया बोलो पाई बाई टू। x को माइनस वन रखें तो क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। देखो जीरो पर वैल्यू जीरो है, वन पर वैल्यू देखो पाई बाई टू है ना, और माइनस वन पर देखो वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू है, ऐसे समझो, ठीक। वन पर वैल्यू पाई बाई टू है और माइनस वन पर वैल्यू क्या है बोलो, माइनस पाई बाई टू, और जीरो पर वैल्यू देखो जीरो है, ठीक है। फंक्शन इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन जीरो पर कॉनकेव डाउन है, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक, और लेस देन जीरो पर देखो कॉनकेव अप है, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे देखो ऐसे, ठीक। ग्रेटर देन जीरो पर क्या हो रहा है, देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो कॉनकेव डाउन। लेस देन जीरो पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉनकेव अप। तो देखो जीरो के आगे है कॉनकेव डाउन और जीरो के पीछे क्या है बोलो, कॉनकेव अप, और देखो फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, है ना। देखो जीरो पर कॉनकेविटी बदल गई, इसका मतलब जीरो को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, जीरो पर कॉनकेविटी बदल गई, देखो जीरो को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, और जीरो पर फंक्शन है ना देखो टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर रही है। मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कॉनकेविटी बदलनी चाहिए और उस पॉइंट के राइट में और लेफ्ट में कॉनकेविटी बदलनी चाहिए और उस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो यहां पर ऐसा है, देखो ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल
है ना, देखो डिफरेंशिएशन किया, अगर हम इसमें x को 0 कर दें तो डेरिवेटिव डिफाइन है, मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब 0 पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, 0 के आगे कॉनकेव डाउन है और 0 के पीछे क्या है बोलो कॉनकेव अप है, इसका मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉनकेविटी बदल रही है, इसका मतलब 0 को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं, ध्यान दो 0 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं, तो माइनस वन और वन के बीच में देखो ये फंक्शन का ग्राफ आ गया, एग्जैक्ट ग्राफ। अब देखो जैसे अगर हम वन के आगे जाएं, मान लो अगर हम वन के आगे जाएं, ग्रेटर देन वन पर जाएं, देखो तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, इसका करें डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बोलो, डिक्रीजिंग हो गया, ध्यान दो है ना, डिफरेंशिएशन नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा अब देखो इसका अगर डबल डेरिवेटिव निकाला जाए, देखो डी वाई डी एक्स क्या है, डी वाई डी एक्स है माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, ऐसा है। अब देखो अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालें तो माइनस टू माइनस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस टू, और उसको फिर से करेंगे तो क्या होगा बोलो, टू एक्स, तो क्या बोला देखो, ये हो गया फोर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया देखो, ठीक है ना, ग्रेटर देन वन पर देखो ये फंक्शन था, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन जो निगेटिव है, क्योंकि देखो माइनस टू है नीचे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव है, तो पूरा टर्म निगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई डी एस को, डबल डेरिवेटिव किया तो एक्स की पावर माइनस टू, इसको फिर से किया देखो ये हो गया फोर एक्स, है ना। अब देखो अगर एक्स क्या है, वन से बड़ा, तो इसका मतलब एक्स वन से बड़ा है, यानी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कॉनकेव अप है, तो वन के आगे देखो ये कॉनकेव अप है और डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे करके, है ना, वन के आगे देखो ये फंक्शन कॉनकेव अप है, वन के आगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखो एक्स वन से बड़ा है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉनकेव अप और डिक्रीजिंग, देखो वन के आगे कॉनकेव अप हो गया और डिक्रीजिंग हो गया, ध्यान दो। देखो माइनस वन के पीछे अगर देखें तो क्या हो रहा है, अगर हम लेस देन माइनस वन पर देखें तो देखो फंक्शन क्या है, देखो लेस देन माइनस वन पर फंक्शन क्या है, माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, देखो डी बाई डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया माइनस पाई टू अपॉन वन, सॉरी माइनस पाई का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो देखो ये क्या हुआ, ये देखो डी बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, है ना, डी बाई डी एक्स नेगेटिव है मतलब देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अच्छा अब देखो जैसे यही डी बाई डी एक्स ऐसे लिखा जाए, क्या हो गया देखो माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, देखो डबल डेरिवेटिव अगर किया जाए तो क्या होगा, माइनस टू माइनस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस टू, उसको फिर से करेंगे देखो टू एक्स आएगा, देखो ये हो गया माइनस माइनस प्लस टू, यानी कि फोर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स देखो लेस देन माइनस वन है मतलब एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो गया, है ना, देखो सिंगल डेरिवेटिव नेगेटिव है क्योंकि माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी, और देखो डबल डेरिवेटिव ये आ रहा है और एक्स लेस देन माइनस वन है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव भी नेगेटिव है मतलब कॉनकेव डाउन है, यानी देखो माइनस वन के पीछे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और कॉनकेव डाउन है, यानी ग्राफ देखो कुछ ऐसे करके आना चाहिए, ऐसे देखो ये ग्राफ कुछ आना चाहिए ऐसे, है ना, ये ग्राफ देखो डिक्रीजिंग और कॉनकेव डाउन। अब देखो ध्यान दो जैसे वन पर भी कॉनकेविटी बदल रही है, देखो वन के पीछे कॉनकेव डाउन है, वन के आगे कॉनकेव अप है, लेकिन वन को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वन पर कॉर्नर है, अभी देखा था वन पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा था, मतलब वन पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वन पर देखो यहाँ पर कॉर्नर है इसलिए वन को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं करेंगे। इसी प्रकार देखो माइनस वन पर भी कॉनकेविटी बदल रही है,
देखो माइनस वन के आगे देखेंगे तो कॉनकेव अप है और माइनस वन के पीछे देखेंगे तो कॉनकेव डाउन है। तो माइनस वन पर भी देखो कॉनकेविटी बदल रही है, लेकिन माइनस वन को भी हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि माइनस वन पर भी हमने देखा था फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, यानी कि माइनस वन पर भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान दो, है ना। तो माइनस वन भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, वन भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, लेकिन देखो जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक। अच्छा अब देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर हम रेंज देखेंगे तो इसका रेंज आएगा माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में। एक्चुअली साइन इनवर्स फंक्शन है ना, साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू के बीच में रहता है। इसका मतलब देखो, इसका जो रेंज अलग ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, ऐसे मतलब देखो ये इसका रेंज हो गया पाई बाई टू और देखो ये इसका रेंज क्या हो गया बोलो माइनस पाई बाई टू, देखो ग्राफ ये ऐसे जाएगा। तो देखो इस फंक्शन का रेंज माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के देखो बीच में आ गया, है ना। और देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, देखो माइनस वन और वन के बीच में इंक्रीजिंग है, वन के आगे डिक्रीजिंग है और माइनस वन के पीछे भी देखो डिक्रीजिंग है, ठीक। जीरो वन के बीच में कॉनकेव डाउन, वन के आगे कॉनकेव अप, माइनस वन जीरो के बीच में देखो कॉनकेव अप और माइनस वन के पीछे फिर से कॉनकेव डाउन, सब देखो मैंने यहाँ पर प्रूव किया हुआ है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है बोलो, कॉनकेव डाउन, है ना। और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बोलो, कॉनकेव अप, ध्यान दो, ठीक। अब देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे वन पर लोकल मैक्सिमा है देखो और माइनस वन पर लोकल मिनिमा है, और ध्यान दो यही ग्लोबल मैक्सिमा भी है क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की यही है और यही ग्लोबल मिनिमा भी है, सबसे छोटी वैल्यू भी फंक्शन की देखो यही है, ध्यान दो, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यूटी लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी सब देखो यहां से निकल गया, है ना। ग्राफ बनाने का देखो ये फायदा होता है, ठीक। क्या है देखो, वन पर क्या है लोकल मैक्सिमा, लिख लो वन पर क्या हो गया लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट का वाई आसपास की तुलना में ज्यादा तो लोकल मैक्सिमा। माइनस वन पर क्या हो गया लोकल मिनिमा, क्योंकि इसका वाई आसपास की तुलना में कम। देखो इस पॉइंट का जो वाई है वो ये वाई है, ये आसपास की तुलना में कम है तो लोकल मिनिमा, और वन पर लोकल मैक्सिमा क्योंकि इसका वाई आसपास की तुलना में ज्यादा, तो वन पर क्या हो रहा है बोलो लोकल मैक्सिमा हो रहा है और माइनस वन पर क्या हो रहा है देखो लोकल मिनिमा हो रहा है, और यही वैल्यू पूरी ग्राफ में भी सबसे ज्यादा है तो यही ग्लोबल मैक्सिमा भी है, ध्यान दो, है ना। और यही वैल्यू पूरे ग्राफ में सबसे कम है तो यही ग्लोबल मिनिमा भी है, ध्यान दो, ठीक। तो इस तरह से देखो हमने पूरे फंक्शन का एनालिसिस कर लिया कि पूरा फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ देखो कंटिन्यूअस हर जगह है, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन पर नॉट डिफरेंशियबल और माइनस वन पर नॉट डिफरेंशियबल है, ध्यान दो, ठीक है। बनाओ सब अच्छे ध्यान से, लिखो इसको, घर पर जाके दोबारा करना है, अच्छे से पढ़ना है इसको एक बार, है ना, दो दो तीन तीन बार इसको पढ़ोगे तब दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। करो सब बच्चे ध्यान से।